मित्रों, आज आज की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज यमुना के तट पर बसे महाभारत कालीन बागपत के गांव में मैं भगवान त्रिलोकीनाथ तीर्थधाम और भगवान पार्श्वनाथ जी के मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये पांच पथ में से एक पथ है बागपत, जिसको पांडवों ने अपने हाथ से बसाया था और जो पांच गांव प्रिय थे पांडवों को, पूरे साम्राज्य के बदले में पांच गांव आ गए थे कौरवों से, उसमें से एक अपना ये बागपत था। ये ऐतिहासिक भूमि है। यहां पर मैं आया हूं तब पूरे देश के किसानों के मसीहा और उत्तर प्रदेश में जमींदारी को नाबूद करकर छोटे किसानों को जिन्होंने अपना हक दिलाया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। मैं राजा मिहिर भोज और रामप्यारी चौहान को भी प्रणाम करना चाहता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब अशोक चक्र विजेता वीर बिजेंद्र पाल सिंह तोमर को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने गोवा को मुक्त कराकर आज भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा देरी से आया हूं। आज ही हम सब के बीच में से स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी नहीं रही, आज उनका निधन हो गया। सुबह लखनऊ था, वही समाचार मिला। आज पूरा देश लता जी को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता है। आज मैं भी पूरे मंच की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लता जी को श्रद्धांजलि देकर मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव है, कुछ लोग इस चुनाव को विधायक बनने का चुनाव समझते हैं, कुछ लोग इस चुनाव को मंत्री बनने की सीढ़ी मानते हैं और कुछ लोग इस चुनाव को आपके अपने आगे के राजनीतिक भविष्य के साथ जोड़ते हैं। मगर माताओं, बहनों, भाइयों, ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का। ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करने का है कि रॉ शुगर इंपोर्ट कर किसानों को गन्ना न मिले, गन्ने का दाम न मिले, गन्ने का भुगतान न हो, ऐसी सरकार लानी है या 1,53,000 करोड़ का भुगतान कर किसान को गन्ने का भुगतान करने वाली सरकार लानी है। लोग जात पात की बात करते हैं, जो कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं, मैं 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2014 में भी आया था,
मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हमने इस 7.5 साल में उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम। अभी पुलिस हेडक्वार्टर से मैं यहां आया, कितना अच्छा हाईवे रोड बना हुआ पड़ा है मित्रों। सिर्फ बागपत क्षेत्र के अंदर मेरे पास पक्का हिसाब है 3400 करोड़ से ज्यादा के काम सिर्फ 5 साल में हमारे सांसद ने अलग अलग जगह से करा है, सिर्फ बागपत लोकसभा क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाला बुना है, गंगा एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड हो, बुंदेलखंड हाईवे हो, या फिर बागपत को हरियाणा के साथ जोड़ता हुआ ब्रिज बनाने की बात हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की नींव डालने का काम किया है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर गरीब के घर में, मैं फिर से कहना चाहता हूं भाई अखिलेश जरा कान खोलकर सुन लो, गरीबों की बात करते हो आप, कान खोलकर सुन लो, उत्तर प्रदेश के 1,82,00,000 गरीबों के घर में 70 साल तक बिजली नहीं आई थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। 2 करोड़ घरों में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं थी, माताओं बहनों को बच्चियों को कितनी परेशानी होती होगी, 2 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। मित्रों 82 लाख गरीबों को 82 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1,80,00,000 से ज्यादा बहनों को, माताओं बहनों तालियों बजाइएगा, 1,80,00,000 बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मोदी जी ने सारी योजनाओं को भेजा, योगी जी ने ये सारी योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, क्या अधिकार है आपको बात करने का? सपा बसपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे की, बुआ भतीजे की सरकार 15 साल चली, चली या ना चली भाई, जोर से बोलिए चली या ना चली। ये गरीबों के घर में क्यों कुछ नहीं आता था? अरे कोरोना आया, मोदी जी ने विश्व में सबसे पहले जिन देशों में इसकी वैक्सीन ढूंढ ली गई उसमें से हमारा भारत एक है। मोदी जी ने जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया, ये अखिलेश यादव विरोध करते थे, वो कहते थे ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो मत लगाइयो। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने भी नहीं लगाया, सार्वजनिक रूप से कहा मैं तो नहीं लगाऊंगा, मगर 1 महीने के बाद डर लगा तो गुपचुप टीका लगा दिया मित्रों। माताओं भाइयों और बहनों आप जरा हाथ खड़ा करिए तो, कितने लोगों के टीके लग गए हैं? लग गए ना। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा संख्या में टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने किया है मित्रों। अगर अखिलेश जी की बातों में आकर टीका न लगाते तो मुझे बताओ, बुजुर्ग भाई यहां सामने बैठे थे,
बैठे हैं, माताएं बैठी है, अगर हम टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते क्या? रह पाते क्या? अरे भाई, यूपी किसके हाथ में सौंपना चाहते हो? ऐसी बचकाना राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में, या मोदी जी जैसे पूरे देश का टीकाकरण करने वाले? मित्रों, मोदी जी और योगी जी ने कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का ये जो जोड़ी है, बहन जी और अखिलेश जी की, 15 साल शासन करे, 15 साल में उत्तर प्रदेश 15 साल में उत्तर प्रदेश देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। कितने नंबर की? कोई ताकत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की। 5 साल आपने हमें दिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, ऊपर से मोदी जी ने आशीर्वाद दिए, आज उत्तर प्रदेश देश में 7वें नंबर से आगे बढ़कर 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। मगर आप तालियां मत बजाइए, मैं अभी कहने आया हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, 5 साल में भारत में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को। मित्र, सपा बसपा विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इसमें सपा और बसपा का भी समर्थन था। एक प्रकार से कांग्रेस सपा और बसपा की सरकार चली। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को और बहन मायावती को, 13-14 के बजट में आपने उत्तर प्रदेश को कितना रुपया दिया? वो तो साहब आंकड़ों की बात ही नहीं करते। आंकड़े की बात आती है तो एक ही आंकड़ा याद है, इत्र वाले, समाजवादी इत्र वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया, इसी की बात याद आती है। और उनके पेट में दर्द होने लगता है, कहते हैं मोदी जी बदला ले रहे हैं। भाई अखिलेश, किससे बदला रहे हैं? कौन है इत्र वाला आपका, बताओ जरा, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर कोई नहीं है तो आपको क्यों दुख हो रहा है? भाई बताओ, जो टैक्स भरे बगैर ये पूरा मंच भर जाए, इतना रुपया अपने घर में रखा हो, इसके वहां रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अखिलेश जी कहते हैं नहीं करनी चाहिए। खैर अखिलेश जी, आप तो नहीं बताओगे, 13-14 में उत्तर प्रदेश को केंद्र ने क्या दिया था? मैं बताता हूं माताओं, भाइयों, बहनों, बागपत के लोगों, उत्तर प्रदेश को 13-14 में मनमोहन सिंह जी ने 66,623 करोड़ रुपया दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, 66,623 करोड़ रुपया। अभी अभी मोदी जी ने बजट लाया, 22-23 का बजट, 22-23 के बजट में 66,623 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है। मित्रों, 500, कहां 66,000 करोड़ और कहां 1,46,000 करोड़। मित्रों, मैं आपको बताना आया हूं, ये 5 साल में हमने यूपी को श्रेष्ठ यूपी बनाया है, अगले 5 साल में हम यूपी को बेस्ट यूपी बनाकर आपके हाथ में देंगे। मित्रों, आपके हाथ, हमारे शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश की सरकार थी। पश्चिम यूपी के सारे मतदाता भाइयों बहनों जानते हैं किस प्रकार से दंगा हुआ था, तुष्टिकरण करने के लिए, एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए
हमारे हजारों जवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। जो विक्टिम थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको विक्टिम बनाकर छोड़ दिया गया था। इन दंगों के अंदर जो काम अखिलेश ने किया है, माताओं भाइयों बहनों, हम भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। यहां पर देश में 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और ये सरकार 10 साल तक पूर्ण इकबाल के साथ चली। क्या होता था 10 साल में? पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे या नहीं ले जाते थे? कोई रूप करता था? कोई विरोध में बोलता था? आपने 14 में हमारे सांसद सतपाल जी को चुना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में उन्होंने फिर से हमला किया। उनको लगा कि अभी भी मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार है, उनको लगा अभी भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और भाजपा की सरकार है। मित्रों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक संदेश भेजा। किस प्रकार का संदेश? कि भारत के जवान और भारत की सीमाओं के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकते, वरना उनको दंड देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मित्रों, मुझे बताओ, माताओं भाइयों बहनों, बागपत वालों, ये तो देशभक्तों का प्रदेश है, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ईश्वर बोलते नहीं है, बताओ भैया, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी? हटती थी क्या अब तक? हटती थी? जरा जोर से बोलो, हटती थी? आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, फेंक। और अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मेरे सामने बैठकर कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, क्या खून की नदियां बहेगी? क्या बहेगी? किसको डराते हो भाई तुम? वो कहते थे खून की नदियां बहेगी, किसी की एक कंकर डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, हिम्मत नहीं हुई और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर बैठा है। मित्रों, चुनाव ये दो विचारधाराओं के बीच में, जो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को खुशहाल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर माफियाओं को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मित्रों, निर्णय आपने करना है, किसी को मत देखिएगा। कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कुछ मत सोचिएगा। सुबह सुबह जाकर आपका नाम भारत माता की जय बोलकर, आपका नाम देखकर, आपकी पर्ची कटवाकर कमल के निशान पर बटन दबा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर शांति। मुझे बताओ, करेंगे क्या आप? अरे सुना ही नहीं पड़ता है भाई, करोगे क्या? पक्का करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दामा को विधायक बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे?
मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, तीन से पार का संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मतदाता संवाद कार्यक्रम में देश के केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ आपको बता दें लगातार चुनावी दौरे जारी हैं और इसी कड़ी में अमित शाह ने जनता को संबोधित किया और मतदाता संवाद कार्यक्रम में सरकार की तमाम सारी उपलब्धियों को भी गिनवाया और उन्होंने संकल्प भी दिलवाया जनता से कि अब किसकी सरकार बननी है।